में हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आप सोचते होंगे यार सूर्य की तरह ये कौन सा बंदा है परेशान बैठा हुआ है। आपको बता दूं ये है आकाश खुराना और ये आई थिंक बहुत ही अच्छा खासा इनका एक्सपीरियंस है फिल्मों का, लेकिन ये बहुत बढ़िया राइटर रह चुके हैं। लेकिन आई थिंक इनकी फिल्म डेब्यूटेड फिल्म है ये या नहीं, लेकिन हाँ कारवा फिल्म का जो ट्रेलर कल आया है इस बंदे ने यार मेरा तो दिल जीत लिया है। क्या ट्रेलर बनाया भाई साहब, क्या मूवी होगी, मैं तो एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। कारवा यानी कि एक सफ़र, एक जर्नी, उस तरह की फिल्म है। और दलकीर सलमान जैसे एक्टर को लिया भाई आपने, आपने इरफान खान को लिया है, तो भैया फिल्म तो कमाल होगी होगी। और यहाँ पे कुछ चीज़ें, चुनिंदा चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि ये फिल्म बढ़िया चलने वाली है। सबसे पहले आपका शुक्रिया भाई, भाई साहब जो इतनी बढ़िया फिल्म बनाई। चलिए मैं यहाँ पर इनके बारे में बता दूँ, आकाश खुराना कारवा फिल्म है, ठीक है। और इसके जो राइटर है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, राइटर है बिजो नाम्बियार। बिजो नाम्बियार नोज हाउ टू राइट ए गुड स्टोरी। शैतान फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की थी, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आई कैन से, बहुत बढ़िया फिल्म थी शैतान। तो बिजो नाम्बियार इज नॉट ए सिंपल बंदा, बहुत बढ़िया फिल्म बनाते भाई बंदा। दलकीर सलमान, इरफान खान, कृति खरबंदा इज देयर इन दिस फिल्म। अपार्ट फ्रॉम दिस मिथिला पालकर, मिथिला पालकर आपको बताता हूँ कौन है। मिथिला पालकर ये बंदी है जो यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, एंजॉय करते हैं इन दोनों के साथ। तो इरफान, दलकीर, टू आर ब्रिलियंट एक्टर्स आई कैन से। मैं दलकीर सलमान की नाना तो नहीं, नहीं इनकी एक फिल्म देखी थी, रोमांटिक फिल्म थी और जिसपे बनी थी ना श्रद्धा कपूर वाली फिल्म है, समझ गए होंगे आपने, श्रद्धा कपूर की रोमांटिक फिल्म बनी थी सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ, उसी फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ। और पिछले साल चली थी, स्टार्टिंग में थी, उतनी नहीं चल पाई थी उसी फिल्म का, इस इनकी ही फिल्म का रिमेक था, मुझे नाम नहीं याद नहीं आ रहा, माफ़ी चाहता हूँ। और बहुत अच्छे एक्टर है दलकीर सलमान। हाल फिलहाल में कोई आई थिंक उनका बहुत अच्छा रोल है साउथ मूवी में आया था, महानती में थे क्या आई थिंक। तो दलकीर सलमान, इरफान खान, भैया कमाल होने वाला है ये, भैया कमाल का डायरेक्टर है मुझे ऐसा लग रहा है। स्टोरी विजय नाम्बियार की है। और जहाँ तक ट्रेलर की बात की जाए तो भूल ही गया था, ट्रेलर 2 मिनट 37 सेकेंड का है और क्या ट्रेलर है यार, क्या ट्रेलर है, मतलब दिल खुश करने वाला ट्रेलर है। मतलब यहाँ पर मैं यही बोल सकता हूँ, छा गया बंदा, यानी कि इरफान बोलते दलकीर सलमान को, दलकीर सलमान जिससे आप ट्रेलर पता चला कि दलकीर सलमान नॉर्मली एक काम करता है, वो ऑफिस का आईटी कंपनी में काम करता है, अचानक एक लेडी का फ़ोन आता है कि तुम्हारे पिताजी गंगा के लिए जो गए थे, गंगा में आई थिंक तीर्थ यात्रा वगैरह में, वो उनका देहांत हो गया। तो जब बॉडी आती तो पता चलता उसके पिता की बॉडी नहीं है, पता चलता उस कार्गो में तो 2 बॉडी थी, उसमें शायद मिसप्लेस हो गई, उसके बाद में अपने पिता की बॉडी ढूंढता रहता है। हीरो और ड्राइवर रहते इरफान भाई और उसमें हीरोइन रहती है मिथिला, आई थिंक मिथिला, हाँ। तो ये सब तीनों किस तरह से वो एक जर्नी हो जाती है कारवा, वो इस पूरी फिल्म की स्टोरी है। और यहाँ पर जब बॉडी एक्सचेंज होती है उसके बाद किस तरह से दलकीर सलमान, आई थिंक कोई लड़की वापस उनकी लाइफ में आती, तो इरफान बोलते हैं भैया मैयत के टाइम पे रोमांस मत कर। और उसके बाद कुछ विदेशियों को बोलते हैं अरे तुम्हारे दिमाग में अक्ल नहीं, तुम ये सब फूकते फूकते गांजा वगैरह फूकते फूकते तुम लोग पागल हो गए हो और तुम लोग नहाते नहीं हो क्या। इरफान खान यार कमाल है, इरफान कौन कमाल बंदा है। एक सीन में इरफान खान गाली देते तेरी माँ का, और जब तेरी माँ का बोलते हैं तो लड़की बोलती व्हाट द हेल यू जस्ट सेड, तो हीरोइन, तो इरफान बोलते दे अंग्रेजी में गाली देने की कोशिश मत करिए नहीं तो यहीं पे घुसेड़ दूंगा ये जो है ना कफन, क्या बोलते हैं, एक और लेडी की बॉडी रहती है उसमें ही डाल दूंगा तुझे। तो इरफान खान कमाल का, दूध वालों पर और आई थिंक अपनी बीवी के आंसुओं पर भरोसा मत करना, इस तरह के डायलॉग है भैया इस ट्रेलर में, दिल खुश कर दिया भाई इस फिल्म के ट्रेलर ने। कारवा नाम है, नहीं देखा तो भैया बहुत बढ़िया चीज़ मिस कर दी। और मैं अगर नहीं बताता तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है मुझे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं रात को ही आपको बताने वाला था लेकिन रात को आई थिंक मैं थोड़ी चीज़ों में बिजी था और मैं थोड़ा दिल खोल के नहीं बता सकता था, इसलिए मैं सोचा कि सुबह ही आपको बता दो। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बाय। और हाँ, इरफान खान को देख कर अच्छा लगा हंसते हुए।